हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शगुफ्ता से वाबस्ता। जैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सब खुश होंगे। तो एक्चुअली मैं अभी छत पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे न्यूसेंस भी हो ही रहा है, क्योंकि बाहर इस टाइम पे न्यूसेंस होना जाहिर है, इस टाइम पे होती है आवाज़ वगैरह। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर में अज़ान होने वाली है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो तब तक के लिए आप देखिए व्यू कैसा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज का चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना इसको कैप्चर करूं, और ये है यहाँ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा जो छत से नज़र आता है, और ये बाकी भी सिटी पूरी यहाँ से नज़र आती है। तो मैंने सोचा कि जब तक अजान नहीं हो जाती मैं तब तक यहीं टहल लेती हूँ। अब बस होने ही वाली है, तैयारी में है, 6:45 और 5:50 तक हो ही जाती है। तो ये फाइनली अजान हो गई है, अब हम आते हैं, नमाज़ के बाद मिलते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लजीज से चिकन दाने लेकर आए थे, मुझे बहुत ही पसंद हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको आज पैक करा लें। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी, इसलिए उनको पता है, इसलिए वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मेरे हाथ से कैमरा छीन लें। एक्चुअली वो मम्मी और हमारी फ़ोटो के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने हमारे फैमिली ग्रुप में ऐड किया था। अब वो चालाकी से ले रहे थे मेरे हाथ से, लेकिन मैंने ले लिया वापस फ़ोन मेरा। और ये यहाँ पर वो काम में बस आते ही लग जाते हैं, अभी ये सारा काम कर रहे हैं। खाना क्या बनाना है, क्या बनाए? कुछ भी बना देंगे। तो उसके बाद हम दोनों किचन में आ गए थे, मैं चाय बना रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज सबसे बात कर ली जाए, फैमिली वगैरह सबसे बात कर ली जाए। तो हमने पहले खालू जी को कॉल लगाया और उनसे बात कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने सोचा कि घर पे फ़ोन लगाएंगे, इनसे बात करेंगे और मेरे इन लोग से भी हम आज बात कर लेते हैं। तो फिर बस हम एक के बाद एक सभी को कॉल लगा रहे थे। तो अब इन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया, तो मैं बात कर रही हूँ। तो जब भी ऐसे किसी से मैं बात करती हूँ या कुछ भी हो, तो मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। अफसोस कि अब उनसे हम बात नहीं कर सकते, तो जिनसे बात हो सकती है तो उनसे हमें कर लेनी चाहिए वक्त रहते। तो मिस यू सो मच अम्मी, अम्मी की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। तो ये अब हम ईशा की नमाज़ पढ़ने लगे, हमने सोचा कि ईशा की नमाज़ हो जाए उसके बाद फिर हम खाने को कंटिन्यू करेंगे, खाना बनाएंगे। और ये बाहर यहाँ पे कोई न्यास चल रही है, तो सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लूँ। अब हम किचन में आ गए हैं खाना बनाने के लिए। ये देखो मेरे हस्बैंड ही इनको बेल रहे हैं। आज हमने सोचा कि पराठे और मूंग की दाल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि हम किस तरह से बनाते हैं ये पराठे। एक्चुअली हम इस तरह से थोड़े बनाते हैं कि जब हम उनको पकाएं तो उसकी परते परते सारी खुल जाए। तो इस तरह से घी वगैरह लगा के और उसको ऐसे फोल्ड करते हैं कि उसकी परतें जब भी हम बनाते हों तो बनाते बनाते ही खुल जाए, और वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी भी लगते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह के कह रही हूँ मैं, इस तरह से ये खुल जाते हैं ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हमने खाना वगैरह सब खा लिया, तो अब हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए, हम साथ में ही जाते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं इधर शॉप पर, अब हम फाइनली फ्री हो गए, हमारा सारा कुछ काम हो गया है, तो बस अब वापस रूम पर हम आ गए हैं। तो वापस आके मैं अपने हस्बैंड को वापस से छेड़ रही हूँ, उनको परेशान कर रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके, इसलिए उनको बहुत हंसी आ रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा